आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पूजा चौधरी। आइए नजर डालते हैं पांच बड़ी खबरों पर। आखिरकार करीब 14 घंटे के सफर के बाद बाहुबली मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंच गया है। सुबह करीब 4:30 बजे भारी सुरक्षा इंतजाम के बीच मुख्तार अंसारी का काफिला बांदा जेल पहुंचा। सुबह करीब 4:26 पर बांदा जेल का दरवाजा खोल दिया गया। काफिले की बाकी गाड़ियां रुक गई और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस जेल में दाखिल हो गई। सुबह 4:30 बजे बांदा जेल में आने के बाद मुख्तार अंसारी ने जेल अधिकारियों से कहा कि वह काफी थक गया है, सोना चाहता है, इसलिए उसे सीधे बैरक नंबर 16 पहुंचाया गया, जिसमें वह आराम करता रहा। सुबह चाय के लिए जेल अधिकारियों ने पूछा, लेकिन थकान की वजह से उसने चाय को मना किया। सुबह 10 बजे मुख्तार अंसारी का कोरोना टेस्ट किया गया। बांदा के CMO फिलहाल पंजाब से आए मेडिकल फाइल का परीक्षण कर रहे हैं। फिलहाल मुख्तार को 16 नंबर बैरक में आइसोलेशन में रखा गया है और किसी से मिलने की इजाजत नहीं है। पूरे बैरक को CCTV के जरिए मॉनिटर किया जा रहा है। मुख्तार को बांदा जेल की बैरक नंबर 15 में रखने का प्लान है। फिलहाल उसे बैरक नंबर 16 में रखा गया है। कोरोना टेस्ट होने के बाद उसे बैरक नंबर 15 में शिफ्ट किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में नक्सली अटैक में सुरक्षा बलों के 20 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं और अब तक एक जवान लापता है। अपना नक्सलियों की तरफ से 2 पेज का बयान जारी किया गया है, जिसमें CRPF का कोबरा कमांडो उनके कब्जे में है। प्रतिबंधित कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि 3 अप्रैल को हुए एनकाउंटर के बाद से लापता जवान उनके कब्जे में है। नक्सलियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बातचीत के लिए मध्यस्थ की घोषणा के बाद ही CRPF के कमांडो को छोड़ा जाएगा। न्यूज एजेंसी ANI को छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि नक्सलियों की ये चिट्ठी सही है। न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में एक स्थानीय पत्रकार गणेश मिश्रा ने बताया कि नक्सलियों ने कहा है कि जल्द ही वो अगवा किए गए जवान का वीडियो जारी करेंगे और अगर सरकार ने सहयोग किया तो वो जवान को 2 दिन के अंदर छोड़ भी देंगे। बयान में नक्सलियों ने कहा कि वो पुलिस को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं और मृत पुलिस परिवार के लोगों से अपना खेद प्रकट करते हैं। नक्सलियों ने इस बात की भी पुष्टि की है कि उन्होंने CRPF जवानों के हथियार और सामान भी लूटे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राज्य के अधिकतर जिलों में हालात बेकाबू हो रहे हैं। ऐसे ही नजारा पुणे में देखने को मिला। दरअसल पुणे के पिंपरी इलाके में मौजूद अस्पतालों में बेड की कमी होने की बात सामने आई है। यहाँ दिक्कत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मरीजों को ऑक्सीजन लगाकर मजबूरन वेटिंग एरिया में बैठाया जा रहा है और उनका इलाज भी यही किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि वह हालात पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा है। वहीं ऑक्सीजन वाले 7 बेड का अलग से सेटअप बनाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुणे के यशवंतराव चौहान मेमोरियल अस्पताल में कुल 400 बेड हैं, जिनमें 55 ICU हैं। मंगलवार को अस्पताल में सभी बेड फुल हो गए। आपको बता दें कि पुणे में कुल 79 वेंटिलेटर हैं, जो मरीजों की संख्या के हिसाब से नाकाफी साबित हो रहे हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने के लिए CBI ने देशमुख के खिलाफ प्राथमिक जांच का मामला दर्ज कर लिया है। इसके बाद केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मुंबई पहुंच चुकी है और सबूत इकट्ठे कर जांच शुरू कर दी। CBI ने 5 अप्रैल 2021 के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में प्राथमिक जांच दर्ज की है। उच्च न्यायालय ने आरोपों की प्राथमिक जांच करने के लिए सोमवार को CBI को 15 दिन का समय दिया था। CBI सूत्रों का कहना है कि CBI की एंटी करप्शन टीम का नेतृत्व एक IPS अधिकारी करेगा। मुंबई CBI दफ्तर के एक सूत्र ने बताया कि CBI की टीम जो दिल्ली से आई है उसमें करीब आधा दर्जन लोग हैं, जिसकी जिम्मेदारी एक वरिष्ठ अधिकारी के कंधों पर होगी। CBI की ये टीम अब इस केस से जुड़े हुए पुलिस अधिकारियों का बयान दर्ज करेगी। बताया जा रहा है कि CBI की ये टीम पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह सहित मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों के बयान दर्ज करेगी जिन्होंने अनिल देशमुख के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। CBI सूत्रों से पता चला है कि अनिल देशमुख का बयान मुख्य गवाहों के बयान के बाद दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोरोना ने अब लोगों की समस्याओं को और बढ़ा दिया। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सरकार ने जहां वीकेंड का संपूर्ण लॉकडाउन की बात कह डाली है, वहीं टीवी इंडस्ट्री पर एक बार फिर से इसका असर देखने को मिल रहा है। मुंबई में लॉकडाउन के साथ ही
साथ निभाना साथिया सीजन 2 की शूटिंग अचानक बंद कर दी गई, जिसके वजह से अब शो के कलाकार परेशान हैं। स्टार प्लस के टीवी सीरियल साथ निभाना साथिया सीजन 2 ने कुछ समय पहले ही टीवी जगत पर धमाकेदार एंट्री मारी थी। शो से गोपी बाहू और कोकिला बेन के जाने के बाद गहना की कहानी दिखाई जा रही, लेकिन हाल ही में शो पर कोरोना की मार पड़ गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शो को लेकर अफरा तफरी का माहौल है। कलाकारों को अभी नहीं पता कि उन्हें कल शूटिंग के लिए आना है या नहीं। सीरियल में कनक देसाई की भूमिका अदा कर रही एक्ट्रेस आकांक्षा जुनेजा ने कहा कि शहर में अचानक जो कुछ हुआ उससे मैं बेहद हैरान और दुखी हूँ। हम अतिरिक्त शूटिंग कर रहे थे क्योंकि वीकेंड पर लॉकडाउन था। हम योजना बना रहे थे कि शुक्रवार तक काम करके अतिरिक्त एपिसोड बना लेंगे। हम सब पूरी तरह तैयार थे। शाम को जब हमने काम खत्म कर लिया और चले गए तो हमारे घर पर फोन आया। हमें पता चला कि शहर बंद है। हमने चर्चा की अब क्या होने वाला है। हमें नहीं पता कि हम कल शूटिंग कर रहे हैं या नहीं। तो ये थे आज के हमारी 5 बड़ी खबरें। इसी प्रकार की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए अचल न्यूज़।